ओके काटो काटो काटो। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पुदीना और नींबू का शरबत। इसके लिए मैंने एक कटोरी पुदीना लिया है जिसे अच्छी तरह हमने धो लिया है, और आधा टुकड़ा नींबू लिया है, और 5-6 पत्ती मैंने तुलसी का लिया है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, आप चाहें तो अधिक भी ले सकते हैं। 3-4 चम्मच मैंने चीनी लिया है, 1 चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया है, और आधा टुकड़ा नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, और आधा चम्मच मैंने सेंधा नमक लिया है। तो चलिए आज हम बनाते हैं पुदीने और नींबू का शरबत। इसके लिए एक जार लेंगे और इस पे हम पुदीने के पत्ती को डाल लेंगे, और 5-6 जो तुलसी का पत्ता लिया था वो भी ले लेंगे हम। तीन चम्मच मैंने चीनी लिया है, आधा चम्मच जो मैंने नमक लिया था सेंधा नमक उसको ऐड कर लेंगे, आधा चम्मच मैंने भुना हुआ जीरा लिया था उसे हम ले लेंगे, और नींबू का रस इसमें हम डाल लेंगे। अब इसमें हम 3-4 चम्मच पानी डालेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देते हैं, और इसे अच्छी तरह पीस लेंगे। ये बहुत टेस्टी शरबत बनता है, गर्मी के दिनों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब इसे हम पीस लेते हैं। अब मैंने इसे पीस लिया है, देखिए बहुत बारीक पीसा है। अब इसे हम चाहे तो छान भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह भी हम किसी को सर्व कर सकते हैं। और इस पर अगर आप चाहें तो आइस क्यूब भी डाल सकते हैं, मैंने आइस क्यूब नहीं डालना है, मुझे ठंडा पानी का हम यूज़ करेंगे। तो अब एक मैंने ग्लास ले लिया है, इसमें हम पुदीने का रस डालेंगे, और इसमें हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा। इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं और मेहमानों को देंगे। बहुत टेस्टी शरबत बना है,